विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतरगतं पश्यन् आत्मनि मायायाः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समयी स्वात्मानं एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाळूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में क्या था, अध्याय दो सांख्य योग का 17वां श्लोक, 16 तक हो गए थे, 17वां श्लोक क्या है, अविनाशी तु तद्वित एन सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम हर्ति। ठीक है, उसे अविनाशी जानो जिससे ये संपूर्ण व्याप्त है, मतलब सब कुछ जिससे ये व्याप्त है संपूर्ण, उसको अविनाशी जानो। इस अव्यय का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। ठीक है, ये इसका तू तू असतो तू तू का क्या है, तू असतो व्याव्रतम, मतलब तू का प्रयोग असत से विलक्षण बताने के लिए श्लोक में हुआ है। ठीक है, यद्यत कदाचित नास्ति प्रत्यय विषयो भवति तत् ना। ठीक है, जो जो कभी भी नास्ति प्रत्यय का विषय होता है वो नहीं, समझ गए, जागृत में स्वप्न के विषय नहीं है, स्वप्न में जागृत के विषय नहीं है, सुसुप्ति में ना स्वप्न है ना जागृत। ठीक है, बहुत से जागृत के विषय जागृत में नहीं विषय बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई धन नहीं है, धन कभी था पहले अब नहीं है, लेकिन बुढ़ापे, अब जैसे बुढ़ापे में बचपन या जवानी नहीं है, समाधि में ये संसार और सुसुप्ति नहीं रहती, और जागृत में समाधि नहीं है, लेकिन मैं नहीं हूँ ये अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता। मैं नहीं हूँ ये अनुभव आपको कभी नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है आत्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु सत्य नहीं है। ठीक है, अविनाशी तू तद्विद्ध। ठीक है, क्या मतलब कि तत् तू अविनाश विद्ध, मतलब न भाव विद्यते सतः, यस्य सतः अभावो न विद्यते, तत् सत् तू अविनाशी विद्धि, मतलब जिस सत का कभी अभाव अनुभव में नहीं आता है उस सत को अविनाशी समझो, अर्थात जो अविनाशित्व है ही सत का लक्षण है। अब देखो, अब एक बात यह है कि वाणी का सत्य किसको कहते हैं, मतलब जैसा देखा जैसा सुना जैसा अनुभव किया ठीक वैसे कह दिया, ये वाणी का सत्य है। ये सत्य तो है किंतु विवेक रहित सत्य है। ठीक है, जिससे बोलने वाले और सुनने वाले की भलाई होती है ऐसी बात कहना सत्य है, जिससे बोलने वाले और सुनने वाले का अहित होता है वो वचन सत्य नहीं है। ठीक है, ना तत्व वचनम सत्यम ना तत्व वचनम रसः। ठीक है, कैसे फिर आगे का, यद भूत हितम अत्यंतम। ठीक है, एतत् सत्यम मतम मम, मतलब सच कह देना ही सच नहीं है, और सच ना कहना ही झूठ नहीं है। समझ गए, अब सच कह देना सच नहीं है ऐसा नहीं है, और सच ना कहना ही झूठ नहीं है, जिससे प्राणियों का आत्यंतिक हित हो ऐसी बात बोलना सत्य है। ठीक है, बौद्धों ने सत की परिभाषा की है कैसे, जिससे संसार व्यवहार की सिद्धि हो, उन्होंने बौद्धों ने सत की परिभाषा की है कि जिससे संसार या व्यवहार की सिद्धि हो, जैसे धन सच्चा जो बाजार में चले। ठीक है, जिसके बदले हमको कोई चीज मिल सके वही तो है, और जो रुपया या जो करेंसी ना चले, रुपया ना चले वो असत हो गया। समझ गए, जो रुपया या करेंसी बाजार में चले वो सच्चा, ठीक है, और जो ना चले वो असत। लेकिन कभी कभी सच्चा रुपया भी खोटा बता दिया जाता है और खोटा रुपया भी चल जाता है। ठीक है, अतः कहा जाता है कि जिस कारण में व्यवहार का अवस्थान है, ठीक है, जिस कारण में व्यवहार का अवस्थान है वो क्या हो गया, वो हो गया सत। ठीक है, वो हो गया सत,
जैसे पहले चांदी का रुपया चलता था, अब चांदी में रुपए का नाम रूप वजन तो पीछे बना, अगर रुपया गला दे तो नाम रूप वजन नहीं रहेगा। अतः नाम रूप वजन बनने से पहले जो वस्तु थी और नाम रूप वजन मिट जाने में जो जो वस्तु रहेगी वो सत है, अबाधित अंश का नाम सत है जो हमेशा अबाधित रहे। अविनाशी अर्थात काल से अपरिच्छिन्न, ठीक है, सत्य देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न होता है, ठीक है। आत्मा सदा अपरोक्ष है, सदा अतः सदा प्रिय है और सदा ज्ञान स्वरूप है। संसार की वस्तुएं तो कभी प्रत्यक्ष होती हैं, कभी परोक्ष होती हैं और कभी अपरोक्ष होती हैं, किंतु आत्मा सदा अपरोक्ष रहता है, नित्य सत्स्वरूप है। नित्य सत्स्वरूप होने से नित्य चित्त स्वरूप और नित्य आनंद स्वरूप है। इसी से कहा क्या, नाभाओ विद्यते सतः अविनाशी, ठीक है। घड़ा काल पर छिन्न है अतः विनाशी है। घड़े का प्राग भाव होता है पहले प्राग भाव भी है और प्रध्वंसा भाव भी है, अर्थात घड़ा बनने से पहले नहीं था और फूटने के बाद भी नहीं रहेगा, तो काल पर छिन्न है वो देश पर। अच्छा, जो चीज जो भी वस्तु काल पर छिन्न होगी वो देश पर छिन्न भी होती है। ऐसा न्यायिक मानते हैं कि परमाणु काल पर छिन्न नहीं है, न्यायी लोग मानते हैं, न्याय दर्शन में परमाणु काल पर छिन्न नहीं किंतु देश पर छिन्न है वो मानते हैं। लेकिन वेदांत मानता है कि जिसमें काल परिच्छिन्नता, देश परिच्छिन्नता और वस्तु परिच्छिन्नता ना हो वो सत्य है, ठीक है। वस्तु परिच्छेद तीन प्रकार का होता है, सजातीय है। अब कोई भी वस्तु में परिच्छेद कैसा, तीन प्रकार से, मतलब परिच्छेद मतलब जो खंड खंड है या जिसमें जो भेद है उसमें तीन प्रकार का, एक सजातीय है। सजातीय जैसे मनुष्य मनुष्य में भेद है कि नहीं है, वो सजाती हो गया। विजातीय मैंने जैसे मनुष्य और पशु है, ठीक है, में भेद है। और स्वगत तीन हो गए, सजातीय भेद, सजातीय भेद मनुष्य में भेद है, विजातीय भेद जैसे मनुष्य पशु में भेद है, और स्वगत तीसरा स्वगत भेद जैसे आपके अपने हाथ पैर में भेद है ना। इसके अतिरिक्त पंचविध भेद भी वस्तु परिच्छेद ही माना जाता है। अब पांच पांच भेद और भी हैं, वो भी वस्तु परिच्छेद। कैसा, नंबर वो बता रहे हैं, नंबर वन जीव जगत का भेद, नंबर दो जीव जीव का भेद, नंबर तीन जगत जगत का भेद, नंबर चार ईश्वर जगत का भेद और नंबर पांच ईश्वर जीव का भेद। ये भेद जहां भी हो वो विनाशी है, ठीक है। अब न्याय दर्शन में कहा जाता है कि परमाणु में देश परिच्छेद है तो किंतु वो विनाशी नहीं है। आकाश वस्तु परिच्छेद है किंतु वो विनाशी नहीं है। लेकिन वेदांत मत में जीव तथा आकाश को भी विनाशी ही मानते हैं, ठीक है। अविनाशी तू तद्विद्ध, मतलब उस त्रिकालावाधित परिपूर्ण वस्तु परिच्छेद काल परिच्छेद से रहित तत्व को जानो। अब प्रश्न उठा कि हमारा उससे संबंध क्या, हम उसका अनुभव कैसे करेंगे। इसके उत्तर में कहते हैं एन सर्वम इदम तदम। कितना बढ़िया बात, वो सद वस्तु जो है सर्वदेश में सर्वकाल में देश काल वस्तु के रहते हुए ही विद्यमान है, उसका अनुभव वैकुंठ में ही होगा ऐसा नहीं है, या महाप्रलय होने पर भी होगा ऐसा भी नहीं है। इदम सर्वम ततम, मनुष्य पशु कीड़े पतंगे वृक्ष मिट्टी पानी पहाड़ पृथ्वी सब में व्याप्त है। जैसे वस्त्र में सूत बना है, धागा है, थ्रेड से बना है ना, ताना माना के रूप में व्याप्त है। जैसे जैसे हार कुंडल या कंगन में स्वर्ण व्याप्त है, ऐसे ही इदम दृश्यमानम ततम व्याप्तम, वो अद्वितीय सत्ता ही सब में व्याप्त है। कारण रूप से कार्य में व्याप्त है ये नहीं कहते, कारण रूप से कार्य व्याप्त ये नहीं कहते, वही स्वयं सर्वत्र है, जगत के रूप में भी वही प्रतीयमान है। एन सर्वम इदम ततम, ये गीता का बड़ा प्रिय वाक्य है भाई, बड़ा मशहूर बड़ा फेमस वाक्य है, बार बार इसकी आवृत्ति गीता में हुई है। अब देखो उत्तम पुरुष, संस्कृत के अनुसार उत्तम पुरुष में आया है मया तत्मिदम सर्वम, और मध्यम पुरुष में अर्जुन स्तुति करता है 11वें श्लोक में, क्या त्वया ततम विश्वम अंतरूप, ठीक है। ये 11वें ये मध्यम पुरुष के रूप में, और प्रथम पुरुष रूप में आया एन यहां एन सर्वम इदम ततम, ठीक है। इसका तात्पर्य कि स्थूल सूच कारण तथा तत्व की सभी दृष्टियों से यह विश्व केवल परमात्मा ही है, मैं तुम यह सब रूपों में वही एक सद वस्तु है। इसलिए बोला गया है, वेद बोलता है, क्या बोलता, आत्मे वेदम सर्वम
फिर बोलता है दूसरी जगह सा एवेदम सर्वम, फिर अहमे वेदम सर्वम, फिर ब्रह्मे वेदम सर्वम, कितने प्रकार से बोल रहा है। श्रुति के ये चार मंत्र हैं, ये वेदों के चार मंत्र जो स्पष्ट बतलाते हैं कि मैं तुम वह ब्रह्म, मैं तुम वह, ये सब ब्रह्म एक ही तत्व है, ये प्रत्येक चैतन्य भिन्न परमात्मा ही परिपूर्ण है। ठीक है, भगवान अपने भक्त का तथा प्रिय सखा अर्जुन को सत्य की पहचान बता रहे हैं। क्या किम तत्सत यत सर्वदा एवास्ति, वो सत्य कौन सा है जो सदा रहता है। इस संबंध में श्री कृष्ण जी एक आज्ञा दे रहे हैं, तत् सत्य त्वम विद्धि, मतलब उस सत्य को तुम जानो, उस सत्य के होने से किसी को कोई लाभ नहीं है। वासुदेवाह सर्वम, वो तो मनुष्य पशु कीड़े पतंगे आदि सर्वरूप में विद्यमान ही है, प्रश्न यह है कि तुमने उसे जाना कि नहीं, ये प्रश्न है। ब्रह्म होने के ब्रह्म के होने से कोई लाभ नहीं, उसको जानने से मोच होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं, उसको अगर उसको जान जाओगे तो मोच होता है। ठीक है, तुमने सत को जान लिया तो मृत्यु का नाश हो गया, उस सत को चित रूप से जान लिया तो अज्ञान मिट गया, उस सत चित को आनंद रूप से जान लिया तो दुख दूर हो गया, जीवन पूर्ण हो गया उसको जानने से। मृत्यु अज्ञान और दुख ये तीनों वस्तुएं नहीं है, जिसे मृत्यु का भय है वही दुखी है और वही अज्ञानी भी है, जिसे अज्ञान है उसी को दुख और मृत्यु का भय भी है, और जिसे दुख है उसे ही मृत्यु भय तथा अज्ञान है। मृत्यु सत का, अज्ञान चित का, और दुख आनंद का विरोधी है। जैसे सच्चिदानंद एक है, वैसे ही दुख मृत्यु और अज्ञान भी एक साथ रहते हैं और एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं। तद्विद्धि मतलब तुम्हें जो अपने स्वरूप का ज्ञान है उसे मिटाने के लिए ज्ञान प्राप्त करो, तब ज्ञान से अज्ञान मिटेगा, तब मृत्यु और दुख भी मिट जाएंगे। इस दृष्टिकोण से उपनिषद को अगर देखोगे तो पता चलेगा कि अज्ञान के क्यों अज्ञान के नाश से मृत्यु और दुख का नाश कहा गया। तमेव विदित्व आदि मृत्यु है, मृत्युमेति बोलता है उपनिषद वगैरह है। ठीक है, कहने मतलब उसे जानकर ही मृत्यु के पार हो जाता है। यदि अज्ञान और मृत्यु दो वस्तु हो तो ज्ञान से मृत्यु कैसे हटेगी, हैं कैसे टलेगी, एक ही मृत्यु से दूसरे की मृत्यु कैसे होगी। कोई कहता है कि भाई हमारे पिताजी नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए। दूसरा कहता है हमारे चाचे, दूसरे ने पूछा भाई चाचा जी कैसे हैं, उसने कहा जी मैंने बताया ना कि वे स्वर्ग लोग पधार गए, अर्थात बताया तो था कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उसका तात्पर्य है कि जिसे मैं पिताजी कहता हूँ उसी को तुम चाचा जी कहते हो, समझ गए। तो यहाँ पिताजी और तथा चाचा जी दोनों एक व्यक्ति के लिए। इसी प्रकार जब अज्ञान के नाश से मृत्यु का नाश कहा तो मृत्यु और दुख ये पर्यायवाची हो गए। तमेवम विद्वानम मृत ये भवति ज्ञात्वादेवम मुच्यते सर्वपाशे, अज्ञान की निवृत्ति से समस्त दुख क्लेश सब जो है बंधन मिट जाते हैं। ठीक है, इस जीवन केनो उपनिषद का है कि इसी जीवन में ही परमार्थ तत्व को जान लिया अगर, ठीक है, तब तो अज्ञान दुख और मृत्यु की आत्यंतिक निवृत्ति होगी, तब तो तुम सत्य हो। यदि नहीं जाना तो विनाश, महती विनष्टि ही कहने मतलब वो। अच्छा, सत्य क्या है, अविनाशी अबाधित, जो सदा अबाधित रहे अविनाशी, वो सत्य है जिसको जिसके मिथ्यात्व का निश्चय कभी कोई कर ही नहीं सकता। विनाश और अज्ञान पर्यायवाची हैं, ये एक ही वस्तु के दो नाम है। जैन मत में क्या है, सोना द्रव्य है और हार कुंडल आदि पर्याय है। इस अर्थ में पर्याय का प्रयोग हम नहीं करते हैं हम लोग, है? व्याकरण के अनुसार नाश का अर्थ है अदर्शन। ठीक है, रस रस अदर्शने व्याकरण के अनुसार कि नाश का अर्थ है अदर्शन, जो दिखाई न दे, अदर्शन हो गया जिसका, जिस वस्तु को देखने में हम असमर्थ हैं उसका हमारे लिए नाश हो गया। जैसे वैज्ञानिकों ने मान लियो कोई नई धातुएं ढूंढ रहे हैं कि नहीं है, तो वे अब तक ज्ञात नहीं थी, इसलिए अब तक उनका नाश था। नाश का अर्थ हुआ न जानना, और इसी से अपने को ब्रह्म न जानना भी सद्भाव है। ठीक है, और अपने को ब्रह्म न जानना असद्भाव है। ठीक है, पंचदशीकार में पंचदशी में लिखा है अस्ति ब्रह्मेति चद्वेद संतमेनम ततो विदु असद ब्रह्मेति चेदद्वेद स्वयमेव भवेद सत। पंचदशी, ठीक है, पंचदशी में
अब क्या है कि ब्रह्म ही है, यदि ऐसा जाना तो ब्रह्म हो गया, और ब्रह्म नहीं है ऐसा कहता है तो स्वयं असत हो गया। कितने आश्चर्य की बात है कि जो नहीं है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और जो है वो दिख नहीं रहा है, अनुभव में नहीं हो रहा है। काको लूक निवेशायम है कि नहीं, उल्लू को दिन ही रात दिखती है, उल्लू को दिन रात दिखती कि नहीं दिन में। और इसी पर अज्ञानी को ब्रह्म ही संसार दिख रहा है, दिखता है। संसारो अज्ञात्म वेदिनो हो, अविनाशी का अर्थ हुआ सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप, क्योंकि विनाश अज्ञान और दुख पर्यायवाची हैं। अतः अविनाशी वह जिसमें मृत्यु नहीं, अज्ञान नहीं, दुख नहीं। अब ये अद्वितीय है, ये बतलाने के लिए कहते हैं एन सर्वम इदम ततम, मतलब ये अद्वितीय है। क्यों? एन सत्य, किस लिए? क्योंकि एन सत्येन अविनाशिनः इदम सर्वम ततम व्याप्तम परिपूर्णम, जिस अविनाशी सत्य से ये संपूर्ण प्रपंच परिपूर्ण है। श्रुति ने कहा उस परमात्मा को ही ये विश्व जायन्ते मतलब उत्पन्न होता है, और जीवंती उसी में जीता है, प्रयंती उसी की ओर जा रहा है या तृप्त हो रहा है, और अभिसंविशंती मतलब उसी में प्रवेश कर जाता है, संति मतलब है, और अंत में म्रियंते मरते हैं। ये दो अध्याय कर लेने से जो षड़ंग भाव विकार हैं, खट भाव विखंग षड़ंग भाव विकार हो जाते हैं, जिसमें ही ये छह विकार वाला संपूर्ण प्रपंच है वो अविनाशी सत है। ठीक है, यहां ये नहीं कह रहे हैं कि वो कारण है और जगत कार्य, ये समझो। यहां पर हम ये नहीं कहे, गीता में ये नहीं कहा है इस जगह पे कि वो कारण है और जगत कार्य, ये बोली नहीं, वो व्यापक है और जगत व्यापक है, ये नहीं बोला, वो बड़ा है और जगत छोटा है। इस प्रकार दो तत्व यहां बताना नहीं है कि दो चीजों छोटा बड़ा व्यापक व्याप कारण कार्य का, ये नहीं बताया। ये अन्यत्र कारण का निषेध करने के पहले ब्रह्म में कारणता का अध्यारोप किया, और स्वरूप ज्ञान होने पर वो अध्यारोप कारणता निवृत्त हो गई। इस प्रकार अद्वितीयता के प्रतिपादन के लिए ही कहा गया है क्या एन सर्वम इदम ततम। अब यदि कोई उस सत्य का नाश ही करने पर तुल जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर दिया क्या? विनाशम अभ्यस्यास्य। ठीक है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, इस अव्यय का कभी अदर्शन या परोक्ष होते नहीं, ये तो नित्य साक्षात अपरोक्ष है भाई। ठीक है, साक्षात अपरोक्षम विद्यमानस्यास्य। ठीक है, मतलब बिना इंद्रियों के सहायता के, बिना मन की भावना से, बिना बुद्धि के विचार से निर्णय की अपेक्षा लिए, ये तो इंद्री मन बुद्धि आदि सबका प्रकाशक है, इसका विनाश होना ठीक है या अलोप या अदर्शन करने में कोई समर्थ नहीं है। ब्रह्म भी चाहे, अगर ब्रह्मा भी चाहे तो इसका विनाश नहीं कर सकता है। सत का विनाश कौन करेगा? सत या असत? यदि कहो कि असत सत का विनाश करेगा तो जो असत है ही नहीं वो कैसे विनाश करेगा किसी का? अच्छा कहो कि सत सत का विनाश कर देगा तो विनाश करने वाला सत है वो तो बचा ही रहेगा ना। अच्छा फिर सत का विनाश कहाँ हुआ? अच्छा बौद्ध लोगों के समान यदि वो चित्त क्षणिक है, मान लीजिए वो बोलते हैं चित्त क्षणिक है, तो स्वयं वो सत में स्फुरित होता है कि नहीं होता? यदि कहो कि दुख सत का विनाश करेगा तो दुख का अधिष्ठान या प्रकाशक कौन है? दुख का तो कोई अधिष्ठान तथा प्रकाशक होगा कि नहीं होगा? तभी दुख का अनुभव होगा। अतः स्वतो न नाशः परतो न नाशः। ठीक है, न सत अपने आप को अपने आप नाश होता है और न दूसरे के द्वारा नाश किया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी होता क्या है न तो अभी दूसरा ये भी है दूसरी किसी प्रकार से, और कभी कार्य के नाश से कारण में और कारणत्व का नाश माना जा सकता, किंतु इस प्रकार से सत का नाश संभव नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च श्रूयते, मतलब उसका न कोई कार्य है न करण है, उसमें न उपादान है न निमित्त कारण, कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब उसका कोई संबंधी भी नहीं है, क्योंकि वो अद्वितीय है, उसका कोई नाश करने वाला वस्तु नहीं, वो अव्यय है, अर्थात उसमें से कुछ खर्च नहीं होता, कुछ घटता बढ़ता नहीं, नित्य एक रस है। कई वस्तुएं आरंभ से बनती हैं,
बाद में खत्म हो जाती हैं। इसी प्रकार जो न्याय दर्शन में सृष्टि को परमाणुओं से बनी मानते हैं तो उनका मत आरंभवाद हो गया। दूसरे परिणामवादी हैं, वे कहते हैं नहीं भैया, वे क्या कहते हैं, ब्रह्म परिणाम होकर सृष्टि बनी हो, बोलते हैं कि ब्रह्म का परिणाम हो गया, ब्रह्म स्वयं परिवर्तित होकर सृष्टि बन गया। जैसे धातु को गलाकर मान लो किसी सांचे में डालकर कुछ भी बना दो, अब धातु में ही विकार होकर परिणाम होता है, समझ गए इसको। लेकिन जो विवर्तवाद है वेदांत, जो विवर्तवाद इससे भिन्न है। जैसे आकाश में कोई परिवर्तन हुए बिना वो नीला दिखता ही नहीं दिखता, जैसे रस्सी में बिना हुए बिना ही सांप दिख रहा है। तो विवर्त का अर्थ क्या है, हमने कई बार बताया है, विपरीत वर्तन। विवर्त का मतलब, विवर्तवाद का मतलब, विवर्त मतलब विपरीत वर्तन, वस्तु का जैसा स्वभाव है उसके विपरीत जान पड़ना विवर्त है। सत स्वरूप परमात्मा में सृष्टि भासती है, अव्यय परमात्मा में विनाशी जगत दिखता है। ऐसा क्यों होता है, परमात्मा अव्यय क्यों दिखता है? सातवें अध्याय में उसका परमात्मा अव्यय को दिखता बताया गया, सातवें अध्याय में 25वां श्लोक, नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। ठीक है, समझ गया, जीव लोक अर्थात मूढ़ और मोहाविष्ट हो गया है और परमात्मा माया विशिष्ट हो गया है। मोहग्रस्त जीवों को माया दिखती है, परमात्मा नहीं दिखता। जीव यदि ईश्वर नहीं देखते तो वे मोह के वश में हैं, किंतु ईश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान है, वह स्वयं क्यों माया का पर्दा दूर करके दर्शन नहीं देता। अब लोग बोलते हैं कि वो दयालु तो अपना माया का पर्दा हटा दे, दर्शन दे दे, इसका क्या समाधान? बोले योग माया, योगाय या माया तथा समावृतः, मतलब परमात्मा चाहता है कि जीवों के मन में उससे मिलने की पहले व्याकुलता तो जाके, भाई व्याकुल तो हो, वे मुमुच्छु बने, जिज्ञासु बने, हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करके उसे प्राप्त करें। हैं, जैसे माँ अपने बच्चों को छिपकर देखती बच्चा क्या कर रहा है, यदि बच्चा खिलौने से खेलने लगता तो दूसरे काम में लग जाती, यदि बच्चा ये समझ कर कि माँ नहीं है, चोरी करने में अपने को कुछ कर या कुछ मतलब गंदा कुछ करके गंदा बनाने लगता है तो माँ उसे ताड़ना दे के ठीक मार्ग पर लाने के योग बनाती है। मैं यदि बच्चा रोने लगता तो माँ के लिए व्याकुल होता है तो उसे गोद में उठा देती है। ठीक है, जीव मोहग्रस्त हो गया है, वो पहचानता नहीं माँ मत जब अव्यय को न जानना, उसे संसार मानना, मतलब व्ययशील मानना ज्ञान है। परमात्मा का सच्चा स्वरूप अव्यय है। ठीक है, वो अव्यय है, अमृत है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। समझ में आया? अब इसके आगे अपने अगला श्लोक अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को साझा करें। ओम शांति शांति शांति।